नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो कि आपके लिए NDA यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी की तरफ से, पुणे की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस मेथड से अप्लाई करोगे, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये देख सकते हो आप NDA की 2023 की फर्स्ट रिक्रूटमेंट और ये LDC और MTS की 251 पोस्टें हैं, ठीक है जी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे की वेरियस सिविलाइजन ग्रुप सी की पोस्टें हैं और ITI बेस पर है, 10th बेस पर है, 251 पोस्टें हैं। कितनी है जी? 251 पोस्टें हैं। और इसमें पे स्केल भी अच्छा है, 80 से 1 लाख तक है, 80,000 से 1 लाख तक का है। और 31 दिसंबर से हुआ, आज से ही तकरीबन आज से ये अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं पोस्टें, और 20 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन आपके पास है। एज लिमिट 27 साल मैक्सिमम मांगी हुई है जी, ठीक है। बाकी इन्होंने अभी तक पूरी डिटेल में शो नहीं की, आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी देख लेंगे। ये देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलें तो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की 18 से 27 साल पे स्केल और Level 2 का पे स्केल आपको बताया हुआ है, और 18 से 27 साल एज मांगी है। पेंटर की 18 से 25 साल एज मांगी है और पे स्केल Level 2 मांगा है बताया। ड्राफ्टमैन की 18 से 27 साल है, इसमें पे स्केल Level 4 है। और सिविल लाइन मोटर ड्राइवर OG की 18 से 27 साल एज मांगी है और पे Level 2 है। कंपोजिटर कम पेंटर की 18 से 25 साल एज मांगी है, इसमें भी Level 2 पे स्केल है। सिनेमा प्रोजेक्टर सेकंड की इसमें 18 से 25 साल एज मांगी है, इसमें भी Level 2 की पे स्केल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कुक कुक के लिए, इन्होंने 18 से 25 साल एज मांगी है और Level 2 का पे स्केल है। फायरमैन के 18 से 27 साल एज मांगी है, Level 2 का पे स्केल है। ब्लैक स्मिथ के लिए 18 से 25 साल एज मांगी है, Level 2 का पे स्केल है। बेकर एंड कॉन्फिनेशन की 18 से 25 साल एज मांगी है, Level 1 का पे स्केल है। साइकिल रिपेयर की 18 से 25 साल एज मांगी है और Level 1 का पे स्केल है। ट्रेनिंग MTS ऑफिसर की, मल्टी सेट टास्किंग स्टाफ ऑफिसर की ट्रेनिंग की 18 से 25 साल एज मांगी है और Level 1 का पे स्केल है। किसमें कितनी पोस्ट है ये देख सकते हो आप, एक दो की बताएंगे, बाकी आप देख सकते हो पोस्ट अप्लाई करने से पहले। ये इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्योंकि LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जनरल की 12 पोस्टें, SC की 2, ST की 2, OBC की 9, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 2, टोटल में 27 पोस्टें हैं। पेंटर की 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की। इसी तरह ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है। मोटर ड्राइवर की 4 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट, SC, ST, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेशन की टोटल में 8 पोस्टें हैं, ठीक है। इस तरह आप सारी की सारी पोस्टों की डिटेल जरूर चेक कीजिएगा। ये ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवा दिया है। अब बात करें जी ऑफिशियली वेबसाइट की, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियली वेबसाइट डायरेक्टली खुल जाएगी, नोटिफिकेशन खुल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी, और उसके बाद ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पैटर्न बताया है, सेम पैटर्न वही है। 251 पोस्टें हैं, जिनमें से आपको 109 पोस्टें तो जनरल की देखने को मिल जाएंगी, SC की 5 टोटल में, ST की 27, OBC की 86 और इकोनॉमिक वीकर सेशन की 24, टोटल में 251 पोस्टें। और उसके बाद PWD वालों कैंडिडेट्स की 35 पोस्टें अलग से सेपरेटली रहने वाली हैं, ठीक है जी। और इसमें अलग अलग पे स्केल, अलग अलग एज मांगी हुई है, पे स्केल भी आपको अलग अलग मिल जाएगा। वही चीज़ जो मैंने बताई है वही चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी, ठीक है जी। और उसके बाद आपने कोई भी इसमें ऑफलाइन मोड में आपने फॉर्म कोई भी कॉपी सेंड नहीं करनी। ये नोटिस, ये चीज़ 2 लाइन्स फर्स्ट की देख सकते हो, इसमें कोई भी आपने सेंड नहीं करनी। 21 दिन के अंदर अंदर आपने ये जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 20 जनवरी से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। सारे का सारा ऑनलाइन मोड में है। NDA CIVR CIVRECT.government.in
इस ऑफिशियली वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दी है, इस वेबसाइट पर आप ऑफिशियली वेबसाइट एग्जाम जॉब अलर्ट से भी ले सकते हो। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है, कोई भी आपने ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी में कुछ भी फॉर्म नहीं भेजना। ठीक है जी, और उसके बाद आपको सबमिट किया हुआ था नंबर ऑफ विच टेंटेटिव 10 टाइम्स एंड मोर देन पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी फॉर रिटन टेस्ट एंड अप टू 4 टाइम्स स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि रिटन टेस्ट के जो कैंडिडेट होंगे वो 10 गुना बुलाए जाएंगे, स्किल टेस्ट के जो कैंडिडेट होंगे वो आपके 4 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे वो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा जो सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं जी हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें फॉर्म। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप एग्जाम जॉब अलर्ट से भी यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, अब बात करें अप्लाई करने की, ये अप्लाई करने का ऑफिशियली लिंक भी आपको यहाँ पर ही हमने एग्जाम जॉब अलर्ट पर प्रोवाइड करवा दिया है, और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई करोगे तो सारे का सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। याद रख सकते हो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 से ऑनवर्ड से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से आप रेगुलरली अप्लाई कर सकते हो 20 जनवरी तक। ठीक है, अब एक चीज़ छुट्टी है वो आपको बता देते हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्होंने अलग अलग सभी के लिए बताया है, इसमें 10th मांगी है, जैसे ओबियसली बात है तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज भी होगी। पेंटर के लिए ITI मांगी है, ड्राफ्टमैन के लिए ITI मांगी है, मोटर ड्राइवर के लिए ITI मांगी है, कंपोजिटर और कम पेंटर के लिए ITI मांगी है। अगर +2 करके ITI तो आपको बहुत बेनिफिशियली है, 10th करके ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने स्पेशली क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। कुक के लिए भी ITI मांगी हुई है, प्रोजेक्टर के लिए भी ITI, फायरमैन, ब्लैकस्मिथ, ठीक है, ये सभी के लिए आपको ITI मांगी है। हाँ, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें शायद आपको +2 मांगी है, बाकी आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपको पूरी पूरी क्लियरेंस हो जाएगी। बाकी सभी में 11 की 11 पोस्टों में ITI मांगी ही मांगी है। ठीक है जी, +2 के बाद 10th के बाद +2 के बाद आपकी ITI मांगी हुई है। ये सारी क्लैरिफिकेशन मैंने इसमें नोटिफिकेशन में भी कर दी है। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स न्यूज़ पाना चाहते हो ताकि आपसे कोई भी पोस्ट छूटे ना, तो इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमारे हमें को हमको भी एक गिफ्ट दे सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करके, हमारा सहयोग करके। ठीक है जी, ताकि हम भी आपके लिए और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखें। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।